ओके तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सीजन टू आ रहा है, हमने देखा कि 2.2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, इतना तो ट्रेलर को भी नहीं आता है, फिल्म के ट्रेलर को भी इतने व्यू नहीं आते, तो ये जो क्या कुछ फीलिंग है आप लोगों में, कुछ बताना चाहिए अब सीजन टू को लेकर? मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारा जो पूरा काम है उसका मेन प्लेटफॉर्म ही इंटरनेट है, तो अगर हम सब लोग सारे लोग मिलकर शेयर करेंगे तो आई थिंक 2.2 मिलियन तो ठीक ही है, मतलब कि ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अमेजिंग है, ऐसा नहीं खराब है, पर ठीक है हमारे हम क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा बिजनेस मॉडल इंटरनेट पे बेस्ड है, तो उसके इतने 2.2 मिलियन तो फिल्मों के नहीं आते तो हम क्या करें? आई थिंक दे नीड टू अप देयर गेम। मैडम या सो क्या कुछ फीलिंग होती है? सो द क्वेश्चन इज दैट लाइक 2.2 मिलियन व्यू आ चुके हैं, सो द ट्रेलर हैज गॉट 2.2 मिलियन व्यूज, टीजर या आई मीन सॉरी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मगर मैं ट्राई कर रहा हूं, मगर ये अच्छा न्यूज़ है, दैट जस्ट मीन्स दैट यू नो मोर पीपल आर एक्साइटेड अबाउट द नियर सीजन दैट्स कमिंग, व्हिच पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन, दैट्स व्हाट इट मीन्स, एंड दैट मीन्स दैट होपफुली दीज व्यूज ऑफ द टीज़र विल ट्रांसलेट टू द व्यूज ऑफ द एक्चुअल शो एंड वी गेट अ लॉट मोर पीपल एंजॉयिंग द कॉमेडी वी आर डूइंग एंड द कॉमेडी दैट वी आर पुटिंग आउट देयर। हाँ जैसे जाकिर ने कहा कि हमारा एंटायर इंडस्ट्री और ऑडियंस इंटरनेट पे है, तो या आई थिंक 2.2 से ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग, बट इट्स अ टीज़र तो ट्रेलर के लिए और भी ज़्यादा यू नो बज़ मिलेगा, क्योंकि यू कैन फाइनली सी द कंटेस्टेंट्स प्रॉपर्ली, इस बार 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं और उनके जोक्स बड़े एजी हैं कम्पेयर टू फर्स्ट सीजन, तो आई एम एक्साइटेड, टीज़र के लिए इतना रिस्पॉन्स मिला तो ट्रेलर गोना बी इवन बेटर। धमाका होगा, जैसे ही आप अपने फ़ोन में चालू करेंगे फट जाएगा, इतना ज़बरदस्त धमाका होगा, आग होगा, बवाल होगा, ठीक है, हाँ ना, और आप देखेंगे व्यूज़ की सुनामी आएगी, ठीक है, इतना कमाल का ट्रेलर होगा, हाँ हमने भी नहीं देखा है पर हमें उम्मीद है कि वो इस तरह का होगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता ना कि वो कहते हैं ना कि शहर आने वाला है और उसके पहले के गांव बता देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कि हमें शहर से बहुत उम्मीद है, हमें शो से बहुत उम्मीद है, तो हमें मालूम है कि जो भी टीज़र ट्रेलर आएगा वो अगर सिर्फ उसका अगर 0.1% भी रिप्रेजेंट कर देगा तो भी बहुत बड़ा धमाका होगा। आपको भी ऐसी उम्मीद है कि सुनामी आने वाली है? हाँ पर्सनली मुझे आई थिंक सबके फ़ोन सिंक में फटेंगे ट्रेलर के लिए, हाँ तो सबको लगे कि हमारा फ़ोन इस दिन में पर्टिकुलरली 12 PM को क्यों फटा है, फिर वो रिसर्च करेंगे, फिर अखबार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारे फ़ोन फट गए फट और अखबार में पढ़ेंगे कि अच्छा। तो आपको किसी सेल फोन कंपनी से टाई अप करना चाहिए, पर कौन से सेल फोन, क्योंकि नए फोन खरीदेंगे फिर लोग, हाँ वो सही बात है, वो भी आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, प्लान इज वही, तो कॉमिक्सटान इज नॉट द पॉइंट इज दैट पीपल बाय न्यू फोन्स ऑन अमेज़न, दैट्स द होल प्लान। Also, ye naya season mein, we have new judges. Yeah. You know, so you'll see all of that in the trailer. We've got new judges, we've got a new host. Yeah. So we've changed some things around and trailer mein, you'll see all of it. Zakir, hamare parivar mein aa gaye hain abhi. Yeah, ji. So one of the surprises. Inka level to alag hai, matlab comedy ka level bhi dekhte alag hai. Aur maine notice kiya aap teenon jitne bhi hain, teenon ya aur bhi jo yahan par nahi, sabhi ka comedy level kafi different hai. आपका तो मैं देखता हूँ कि हर दूसरी ऑडियंस आपकी कॉमेडी से कनेक्ट करती है, हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो थोड़ा बताइए कि जरा कि और क्या कुछ इसी तरह का कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। हाँ पहली बात तो ये कि मेरे साथ बहुत सारा हुआ हुआ है, तो ठीक है ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत हुआ हुआ है तो बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस हो जाता है, लोगों को भी लगता है कि उनके साथ हुआ हुआ है, और एज एन आर्टिस्ट वही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि सबको लगे कि उनकी कहानी चल रही है, जैसे जो मेरा स्पेशल था अक्सर सिंगल अमेजन पे ये वो भी उसमें पहले ही स्लेट पे मैंने फराज शहजाद साहब का एक शेर कहा था कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं, ठीक है, तो वो एज एन आर्टिस्ट जितना ज़्यादा रिलेटेबल होगा उतना ज़्यादा वो है ना कि अगर दुख रहा है तो दिल है वाली बात है, एक बात वो, दूसरी बात ये कि कॉमिकस्तान दूसरा क्या हिस्सा था आपके सवाल का, ये नॉर्मल कि इसमें कैसे हाँ लेवल कौन सा लेवल आपको देखना है, तो लेवल बाकी जो हाँ तो मैं कहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का
मोटिव ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों को छुए, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने. वो सब कोशिश हम साथों भी करते हैं. वही सब कोशिश जो हम नो आई इंक्लूड बोथ द होस्ट आल्सो अभीश और उरुज को भी, हम सारे आर्टिस्ट चाहे वो कोई राइटर हो चाहे कोई एक्टर हो पेंटर भी हो, हम सब कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए. ठीक है, तो जो 10 कंटेस्टेंट हैं वो भी इससे छूते नहीं हैं, इससे बाहर नहीं, तो वो भी अपनी तरह से अपनी अपनी समझ और समझदारी के हिसाब से वही कोशिश उसी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं. और मेरे ख्याल से उसमें से बहुत सारे लोग हमें उम्मीद है कि कामयाब भी होंगे ज़िंदगी में आगे, और शो में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ही रहे हैं. जी बिल्कुल, आप होंगे कामयाब. जी बिल्कुल. आप बताना चाहेंगे आपका किस लेवल पर, कौन सा लेवल हमें देखने को, हाई लेवल, लो लेवल? 7.5. क्योंकि ये शो जस्ट जजेस और होस्ट के बारे में नहीं है, कंटेस्टेंट के बारे में. तो आई थिंक हमने इस सीज़न में हमारा पोजीशन बहुत क्लियरली देख लिया कि हम मेंटर हैं और कंटेस्टेंट्स को हाई लेवल पे पहुंचाने का गोल हमारे पास है. तो सो इस बार हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस एजेंडा से आए कि हम ये जीतना है. वो पहले सीज़न में आई थिंक सब खेल रहे थे, फील कर रहे थे क्या है, और इस सीज़न में लाइक नहीं हम जीतने आए हैं. तो वो कंपेटिटिवनेस हमने देखा और pretty cool. Yeah. So I think contestants ko aap ek next level mein dekhoge is season mein, because I think the focus abhi unke upar hai zyada, par hum bas kya bolte hain, hum paudon mein just pani dal rahe hain. Ha, ye to bahut achi baat hai. Madam, no, what's the question? So the question is that because we all do, so what position we go in the season? Yeah. Are we going to be funnier? Our level. I think more than levels, I think in Comic Strand you'll see us people do different kinds of comedy. And when they're doing different kinds of comedy with improv, observational and stand-up, or anecdotal stand-up, or political, topical and stand-up, or sketch, or the levels will change because people will be, you know, if he's good at storytelling, you'll see him really shine at storytelling. If I'm good at improv, you'll see me shine more in improv, etc., etc. And I think that's what will happen with the contestants also. Like, you'll see in different episodes the levels go up and down as they try new comedy, different types of comedy that they are not familiar with. So I think that's, you'll see that it'll be a graph constantly until the end when the winner is announced. And aapki jana chahunga ki aap flight mein hai and flight aapki aise announcement hai ki flight ka kuch part ya flight kaam nahi kar raha jitna humne teaser mein. तो आप बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा, लाइक आप वहाँ से जंप करना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं उनके साथ में कॉमेडी करना चाहेंगे, या आप उन्हें कुछ सजेशन देंगे कि देखिए भाई जैसा टीजर में हो, आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे अगर आपके इस लाइफ में सब ऐसा कुछ हो. आई थिंक मैं जोक सुना दूंगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, क्योंकि देखो यार जब मर ही रहे हैं लोग है ना, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है मैं वो कर लेता हूँ. ठीक है, और ये लोग अगर इनमें से अगर 8 लोग भी डरने की बजाय हंसते हुए मरेंगे तो उससे मेरे लिए शायद मेरे जन्नत में 5 नंबर बढ़ेंगे है ना. तो मैं डेफिनेटली मैं जोक सुना दूंगा उस सिचुएशन में, क्योंकि क्या है कि ज़िंदगी में रोना धोना तो बहुत है ही साहब. ठीक है, 4 हंसी के पल हैं, 2 बातें दिल को छू जाए, यही तो काम. मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या रहता है, एक पूरा उसका अपना एक प्रोसीजर माहौल होता है. जोक जो है कॉमेडी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आपको इंसान पसंद नहीं ना तो जोक फनी नहीं लगता. ठीक है ना, तो इसलिए वो शो का कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कभी फेसबुक पे देखिएगा, तो बस वहाँ आपको जोक मिल जाएगा. आज तो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, कि जोक करना कोई मजाक नहीं. सो आप बताएंगे कि अगर आपकी आई थिंक उस समय में मैं ऑपोजिट करूँगा, मैं सबको रुलाऊंगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में मैं लोगों को हंसा रहा हूँ. तो अगर जब मैं मर रहा हूँ एक दिन मुझे हॉलीडे चाहिए. एक्चुअली आइडियली कोई मुझे हंसना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को हंसा. अब मैं मर रहा हूँ प्लेन में, कोई मुझे नहीं हंसा रहा, तो आई विल बी प्रीटी अपसेट. थिंक दैट इज माई सोच. I think if I was on a plane and it was going down, yeah. I'd want to, instead of jokes, I want to play games. Main game khelta hu. And
Antakshari. Antakshari. Because it'll be fun. If you're going to die, you might as well die having fun. So I'll play some games, some maybe name place thing, animal thing. Yeah, Ludo. On the aeroplane or everything shaking. Yeah, I'll want to play games. Yeah. Okay, so agar main like agar main aapke show ki baat karun, so humne dekha hai ki jab bhi aap kahin bhi aap show karte hain to log aise bahut hi dhyan se dekhte hain. So is tarah ka show jaise humne dekha hai Kapil Sharma ka show, is tarah ka show TV par bhi koi kuch aise aapka kuch naya kuch karne ka andaaz ki ki aapke comedy level to sabhi jaante hain. इस तरह का कुछ आप आगे आने वाले दिनों में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कोई कॉमेडी शो इस तरह से करने को जहाँ ढेरों सारे सेलिब्रिटी आए और ऐसा कुछ इरादा आता है दिमाग में कि हाँ ऐसा भी कुछ करना चाहिए? मतलब ये तो वैसे वाली बात है ना कि आप कार खरीदेंगे क्या या आप बंगला बनाएंगे क्या, घर बनाएंगे, मतलब ये वैसा वाला यार कि सबकी अपनी अपनी गति है जीवन, ठीक है, मैं अपनी गति से चल रहा हूँ, आप अपनी गति से चल रहे हैं, और गति में गति जब मिलती है तब काम अच्छा होता है, तब या गति में गति जब नहीं मिलती तो काम खराब होता है. तो मेरा अपना करियर ट्रेजेक्ट्री है, एक मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ है मेरी जिसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, उसके लाइन में टीवी ना अभी तो फॉल नहीं करता है, ठीक है. मैं जिस तरह के लोगों को केटर करना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों से बात करना चाहता हूँ, है ना, वो उसका समन्वय नहीं बैठ रहा जो टीवी मुझसे चाहता है, ठीक है. तो आने वाले साल दो साल में आई थिंक ये दोनों बदलेंगे, शायद वो थोड़ा फिक्स होंगे, मैं थोड़ा सीखूंगा, तो उसका जब गति में गति मिलेगी टेलीविजन और मेरी, तब डेफिनेटली आप भी देखेंगे एक शो आएगा, है ना. पर अभी के लिए तो कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि आपकी जो पूरी टीम है वो मैंने नोटिस किया कि बहुत ही स्ट्रांग है जी. देखिए स्ट्रीमिंग होने वाला है, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, लोगों के लिए? जी प्लीज़ कॉमिक सन सीज़न 2 देखिए, अगर आपको पहला सीज़न अच्छा लगा तो ये और भी अच्छा लगेगा. exactly. और एक ये शो का आई थिंक बहुत ऑथेंटिक है, और इस शो में ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. तो द शो इज़ अबाउट द कॉमेडी, इट्स फोकस्ड ऑन द कॉमेडी एंड द कंटेस्टेंट्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, एंड सो यू विल आल्सो लर्न अ लॉट अबाउट कॉमेडी आई थिंक, और लाइक एट लीस्ट व्हाट वी आर डूइंग इन इंडिया. सो दैट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. स्ट्रीमिंग होने वाला है तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? मैं बस ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में ये सबसे कमाल की बात है कि घर पर में आपको एक्टर मिल जाएगा, सिंगर मिल जाएगा, कॉमेडियन नहीं मिलता है, है ना. क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाना आप घर पर बैठ के गा सकते हो, ठीक है, एक्टिंग आप शीशे के सामने कर सकते हो, पर कॉमेडी आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं उसके लिए, है ना. तो इसीलिए कॉमेडी के टैलेंट हंट शोज उतने ज़्यादा नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, ठीक है. और कॉमिकस्तान में हमने वो मीटर क्रैक किया है जिसके अंदर वो लोग जो कॉमेडी में इंटरेस्टेड है, चार पाँच साल से कर रहे हैं, हम उनको लेके आने की कोशिश करते हैं. तो वो सारा हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है, जो कॉमेडियन बनना चाहता है, जो एस्पायर करता है फ़नी होना, वो जब ये शो देखेगा तो ना सिर्फ वो शो इन्जॉय करेगा, बट ये भी सीखेगा कि अच्छा तो टॉप लेवल पर किस लॉजिक से लोग काम करते हैं, वो क्या अंडरस्टैंडिंग है. अगर मैं अगर मान लीजिए कनीज इम्प्रोव के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो क्या इम्प्रोव के गुर हैं जो वो घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं, ठीक है. अगर कैनी एक किसी सब्जेक्ट के बारे में कॉमेडी कर रहे हैं, तो कैन वी रिवील, या हाँ ऑल्ट कॉमेडी के बारे में अगर कैनी बात करें कि टॉपिक लेस और अल्टरनेट तरीके से कैसे कॉमेडी करते हैं, तो ना सिर्फ वो शो देख के जोक्स पे हंसेंगे पर वो सीखेंगे भी उससे. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरे लिए जो सबसे बड़े शो का जो सबसे बड़ा मेरिट है वो यही है कि ना सिर्फ वो आपको हंसाएगा पर आपको कॉमेडी सिखाएगा. तो जो ऑडियंस है उसके लिए जोक्स हैं और जो सीखने वाला है उसके लिए ज्ञान है. चलिए आई विश कि ये जो आप लोग का शो है आप लोग की जो कॉमेडी लोगों को हंसाएगी और सिखाएगी. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. सो मच. थैंक यू. बाय.